हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं श्री सुनील प्रजापति जी का। और सुनील प्रजापति जी एक बहुत ही मायानास हमारे लीडर हैं, वो भी चलिए बाकी वाले भी। सुनील प्रजापति जी आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको ढेर सारी बधाई हमारी तरफ से, आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आपको, ठीक है। जोरदार तालियों से आप भी मुंह मिष्ठान करें, शाबाश। मैंने किया, मैंने लिया थोड़ा सा, बस मैं थोड़ा सा। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सुनील प्रजापति जी जो कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के एक बहुत ही जबरदस्त कार्यकर्ता हैं, बचपन से ही ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से, युवा कार्यकर्ता के नाते से इन्होंने काम किया। और इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ओबीसी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी के नाते से इन्होंने कार्य किया। अब पार्टी ने इन्हें जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का नया अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस मौके पर मैं सुनील प्रजापति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं। इसी प्रकार आप पार्टी की सेवा करते रहें, कार्य आगे बढ़ाते रहें और ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए आपने पहले भी बड़ा संघर्ष किया है। अब भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जम्मू कश्मीर में आप ओबीसी समाज को उनके हक जो भारत के संविधान ने दिए हैं वो देने जा रही है, आपने उसके लिए बड़ा संघर्ष किया है। बीजेपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर में अदर बैकवर्ड क्लासेस समाज के लोगों की बुलंद आवाज़ बनकर काम किया है। और सुनील प्रजापति जी ने भी बहुत काम जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज के लिए किया है। मैं इन्हें जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा उसका अध्यक्ष मनोनीत होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। और उम्मीद करता हूं कि जिस जोश जज्बे के साथ ये इससे पहले काम करते आए हैं, इसी जज्बे के साथ ये आगे भी काम करते रहेंगे। सुनील जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के माननीय रविंद्र राणा जी, हमारे संगठन मंत्री अशोक कोल जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बन सकूं और आगे कार्य कर सकूं। जैसा कि इन्होंने बोला है कि मैं समाज के लिए काम कर रहा था, तो आगे इसी वजह से इन्होंने मुझे इसके काबिल समझा है और मैं इनको वादा करता हूं कि आने वाले समय में जैसे मैं काम कर रहा था उससे डबल स्पीड में काम होगा और मोर्चे को आगे लाएंगे और समाज के लिए, ओबीसी समाज को जम्मू कश्मीर में जो नीचे रह गया था दूसरी गवर्नमेंट की वजह से, उसको आगे लाएंगे। और इतना ही मेरा कहना है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बड़ी मुबारक है आपको, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।